कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। सिनेमा की सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अपनी दमदार एक्टिंग स्किल्स और एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं। फैंस उनकी हर फिल्म का इंतजार बेसब्री से करते हैं और आरआर फिल्म के बाद वो साउथ सिनेमा के ही नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर में एनटीआर रामचरण के साथ धमाकेदार एक्शन अवतार में नजर आए थे। ऐसे में अब एक और बड़े डायरेक्टर ने उन्हें अप्रोच किया है। जी हाँ, केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर प्रशांत नील है। एक इवेंट में प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर ने फिल्म के बारे में बात की है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फैंस इस फिल्म को एनटीआर 31 के नाम से शेयर कर रहे हैं और बहुत जल्द फिल्म का शूट भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, सालार फिल्म के शूट के बाद इसी साल मार्च में फिल्म का शूट शुरू किया जा सकता है और इस फिल्म का टाइटल न्यूक्लियर होने वाला है। फिल्म की थीम केजीएफ की तरह ही होने वाली है, साथ ही फिल्म में केजीएफ की तरह ही धमाकेदार एक्शन भी देखने को मिलेगा। और खबरें ये भी है कि इस फिल्म का बजट केजीएफ और सालार से भी ज्यादा होने वाला है। इस फिल्म में एनटीआर रॉकी भाई की तरह ही एक लीडर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। साथ ही खबरें ये भी है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी नजर आ सकते हैं, जिनका एक कैमियो फिल्म में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी जूनियर एनटीआर और आमिर खान को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अनकट सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूले।